तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जो भी हम लोग घर पे आरओ वाटर प्यूरिफायर्स यूज करते हैं उन पे बैन लगने वाला है। गवर्नमेंट उस पर बहुत जल्दी बैन लगाने वाली है। ये बैन क्यों लगने वाला है, आरओ वाटर प्यूरिफायर क्या होता है, पूरी डिटेल कहानी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो एंड तक फॉलो करिएगा। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भानु, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आरओ का मतलब समझिए। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, और इस प्रोसेस का थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, फिर हम लोग एक्चुअल डिसीजन पे आएंगे जिससे ये बैन होने वाला है आरओ वाटर प्यूरिफायर्स। तो पहले हम लोग ऑस्मोसिस समझते हैं क्या होता है, फिर उसका रिवर्स काम देखेंगे। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इधर देखिएगा। तो अगर हम एक सेमी सर्क्यूलर ट्यूब लेते हैं इस तरह से, और उसके यहाँ पे बीच में एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं जिसमें छोटे छोटे होल रखे जाएं। अब अगर एक तरफ मैं रखता हूँ यहाँ पे एक तरफ सॉल्टी वाटर और एक तरफ रखता हूं मैं प्योर वाटर, तो जब इन दोनों को हम रखेंगे तो कुछ देर बाद क्या होगा, एक प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोसिस की। वो प्रॉपर्टी का मतलब या इस प्रोसेस का मतलब देखिएगा। ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है दैट देखिए, अगर सॉल्ट वाटर में ले रहा हूं तो उसमें पानी और नमक होता है, पानी सॉल्वेंट कहलाता है और सॉल्यूट होता है नमक आपका। तो ऑस्मोसिस ये बोलता है कि जब भी दो लिक्विड हम मिक्स करते हैं जिसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, भाई प्योर वाटर में जो हमने राइट साइड में इधर रखा है इसमें बिल्कुल सॉल्ट नहीं है, इस वाले में सॉल्ट है। तो ऑस्मोसिस ये बोलता है कि जब भी दो लिक्विड मिक्स करोगे आप, तो फिर सॉल्वेंट कहां मूव करता है, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो इस कारण से क्या होगा, और यही मूवमेंट एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब अगर हम ये काम करते हैं तो कुछ देर बाद क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन यहां है, लो यहां पर। ठीक है, अब यहां पे लो यहां पे है मतलब यहां पे लिटरली कोई सॉल्यूट नहीं है आपका, कोई नमक नहीं है, सिर्फ पानी है जो कि सॉल्वेंट है आपका। तो सॉल्वेंट यहां लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ मूव करना शुरू करेगा, इस कारण से यहां पानी आएगा तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का और डाइल्यूट होगा। इस कारण से कुछ देर बाद आपको पूरे दोनों ट्यूब के हिस्सों में, इस हिस्से में भी और इस हिस्से में भी बराबर कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो सॉल्वेंट हर समय लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जाता है, इसलिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला जो नमक वाला हिस्सा है वहां पानी जाके उसे और डाइल्यूट करेगा ताकि दोनों हिस्से का डाइल्यूशन बराबर हो जाए। ठीक, अब रिवर्स में क्या होता है कि हमारा पर्पस ये है कि हम उल्टा काम करवाए। उल्टा काम मतलब हमें सही पानी नमकीन पानी में नहीं ले जाना, बल्कि नमकीन पानी से नमक हटा के प्योर वाटर को इस तरफ लाना है। तो बेसिकली हमें प्रोसेस रिवर्स करवाना है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में मतलब आरओ प्रोसेस में हम लोग एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को काउंटर करता है, उसके उल्टे जाता है, और इस कारण से सॉल्टी वाटर में से प्योर वाटर को निकाल के वो ले आता है, इसलिए प्योर वाटर हमको मिलता है जिसको हम उसके बाद पी सकते हैं। ठीक है, सो इसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं वो लगाते हैं हम पंप और मोटर की हेल्प से। तो जो भी आप आवाज सुनते हैं जब आरओ चलता है वो किसकी आवाज होती है, दैट इज एन एक्सटर्नल प्रेशर टू काउंटर और रिवर्स द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये एक बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये तो बेसिक वाटर की प्यूरिटी की बात हो गई। इसके अलावा और बहुत सारी लेयर्स होती हैं आरओ वाटर प्यूरिफायर में और गंदगियों से हटने के लिए, उन लेयर्स की एक बार बात करते हैं फिर उस डिसीजन पे मैं आऊंगा जो बैन करा गया है। ठीक है, सो बेसिकली आरओ को जो हमने पूरा समझा उसको एक बार समराइज कर लीजिए इस डेफिनेशन के थ्रू। ये बिल्कुल सेम बात जो मैंने पहले बोली थी बट कुछ अलग शब्दों में। सो आरओ इज अ बेसिकली, ऊपर यहां पे देखिएगा, इट्स अ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट रिमूव्स कंटेमिनेंट्स फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग प्रेशर टू फोर्स मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मतलब एक ऐसी मेम्ब्रेन जो दो हिस्सों को अलग करती है पर कुछ पार्टिकल्स वहां से पास हो सकते हैं छोटे छोटे। ठीक है, और फोर्स मॉलिक्यूल्स मतलब हम नेचुरल ऑस्मोटिक प्रेशर को रिवर्स कर रहे हैं, इसलिए फोर्स की बात यहां पे आ रही है एक्सटर्नली। तो ये होता है आरओ या रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, जिसपे हमारे ज्यादातर वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस बनते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा मेन इस जो हम पूरी सफाई चल रही है रिवर्स ऑस्मोसिस से, उसके अलावा देर आर एडिशनल मल्टी स्टेज फिल्टर्स जो फिल्टर करते हैं किसको, बहुत सारे हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं उनको, ऊपरी लिस्ट देख लीजिए आप, आर्सेनिक, फ्लोराइड्स, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, उसके बाद नाइट्रेट्स, बैक्टीरिया जो कि पानी में मिक्स होते हैं तो
पानी मिक्स होते हैं, इनको हटाने के लिए भी हम लोग काफ़ी एडिशनल फिल्टर्स यूज़ करते हैं। जो ऐड में आप देखते होंगे वेरियस क्वालिटीज़ की जो बात होती है वो इन्हीं हार्मफुल चीज़ों को हटाने के लिए बात होती है, ठीक है। उसके अलावा आरओ में एक्टिवेटेड कार्बन्स भी होते हैं जिसके अलग अलग रूप होते हैं, फॉर एग्जाम्पल चारकोल या जिसको हम कार्बन ब्लैक बोलते हैं, ये एक्टिवेटेड कार्बन होते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन शब्द शायद आपने एक बार फेस क्रीम और फेस वॉश के लिए भी सुना होगा शायद, उसमें भी कुछ जगह पे ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो आपके कंटेमिनेंट्स हैं और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक बैक्टीरिया इनको भी हटाने वाला काम करते हैं। तो एक आपका आरओ प्रोसेस चल रहा है, यू हैव एडिशनल फिल्टर्स और एक्टिवेटेड कार्बन, ये सब मिलके हमें प्योर वाटर देते हैं। तो सुनने में अच्छा लगता है बट मेन समस्या समझिए, यहां पे ये है, ये देखिए हार्मफुल इफेक्ट्स। देखिए अगर पानी गंदा आ रहा है तो आरओ का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर अगर पानी नेचुरली आरओ से पहले ही ठीक ठाक साफ आ रहा है तो आरओ का यूज हार्मफुल है। कैसे, देखिए फर्स्ट पॉइंट, पहली बात आप देखते होंगे आरओ में छोटा सा पाइप बाहर निकलता है, इससे पानी लगातार बाहर निकलता रहता है, जो इम्प्योर वाटर है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। कुछ आरओज में इट इज अराउंड 3 to 5 times द अमाउंट विच दे प्रोड्यूस, मतलब क्लीन वाटर जितना करेंगे उससे कई गुना तो बर्बाद हो जाता है। और इंडिया ऐसी कंट्री जहां पे वाटर की, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया में कमी है पानी की, ऐसे केसेस में हम आरओ को इस तरह से पानी बर्बाद करने नहीं दे सकते, तो ये हार्मफुल इफेक्ट हो गया। उसके अलावा आरओ जो आपका पानी फिल्टर या साफ करता है उसके साथ साथ वो काफ़ी एसेंशियल एलिमेंट्स भी हटा देता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम, और इनका आपके पानी में नहीं होना लॉन्ग टर्म के लिए आपकी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, ठीक। ऑल्दो कई मैन्युफैक्चरर्स ऐसा क्लेम करते हैं कि एक पोस्ट ट्रीटमेंट नाम का प्रोसेस होता है उससे एसेंशियल एलिमेंट्स का रिमूवल नहीं होगा, ऐसा वो लोग क्लेम करते हैं, ठीक। उसके अलावा आरओ भाई कॉस्टिंग तो बढ़ाता ही है, महंगा आता है, बिजली भी लेता है तो कॉस्टिंग बढ़ाता है, सब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस कारण से जब हर घर में आरओ लगना शुरू हो जाएगा तो सरकार का जो इनिशिएटिव होगा कि भाई पब्लिक फंडिंग से जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन प्योर होना चाहिए उसका इंसेंटिव अपने आप कम हो जाएगा, भाई सब लोग सोचेंगे आरओ तो लगाए हुए पानी कैसा भी आ जाए, ये सही नहीं है, ठीक है। आपको पता हो कुछ कंट्रीज, कुछ यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में जो बाथरूम में टैप वाटर आता है वही इतना प्योर होता है कि होटल में बॉटल अलग से मिलती नहीं है, आप उसी को भरिए और उसी से पानी पीजिए, दैट शोज द कितना साफ पानी वहां पे आता है, हमें भी ऐसा करना चाहिए, ठीक। और एक पूरा गवर्नमेंट का मिशन है जल जीवन मिशन, इसमें 2024 तक हर हाउसहोल्ड में टैप वाटर प्रोवाइड करने का मिशन लिया गया है, तो उस मामले से भी हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टेक्निकल बात हो गई, अब डिसीजन क्या है उसकी बात करते हैं। तो NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एक जुडिशियल बॉडी है उसने एक ऑर्डर दिया है, तो एक NGO ने इनको अप्रोच किया था इस प्रॉब्लम के लिए, आरओ वाली प्रॉब्लम के लिए। तो डेट ध्यान रखिएगा 15 जनवरी 2020 में NGT ने ऑर्डर किया है, ये ऊपर लिखिएगा NGT ने ऑर्डर किया है। सो NGT ने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को यह बोला है कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको आरओ प्यूरिफायर्स बैन करने हैं एक नोटिफिकेशन के थ्रू उन एरियाज में जहां पे जो TDS है आपका, TDS मतलब ये हेडिंग मैंने पूरा फुल फॉर्म लिखा है टोटल डिसॉल्वड सॉलिड्स, ये प्यूरिटी मेजर करने का एक पैरामीटर होता है। तो जहां पर TDS ये देखिएगा बेंचमार्क 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, मतलब जहां पानी ऑलरेडी ठीक आ रहा है क्वालिटी में प्यूरिटी में, वहां पर आपको आरओ प्यूरिफायर्स को बैन करना पड़ेगा। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 4 महीने मांगे थे इस प्रोसेस के लिए कि भाई पूरे प्रोसेस को करने में 4 महीने लग जाएंगे, पर उनको सिर्फ 2 महीने मिले, ठीक। और उसने और NGT ने क्या बोला है देखिएगा, NGT ने एक बात और बोला है कि आप पब्लिक को और सेंसिटाइज करिए, उनको अवेयर करिए अबाउट दी इल इफेक्ट्स, ये देखिए अबाउट दी इल इफेक्ट्स ऑफ डी मिनरलाइजेशन ऑफ वाटर, कि जो आपके असेंशियल मिनरल्स हैं लाइक जिंक हो गया, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम की बात करी जाए, ये भी जो आरओ हटा देता है, आरओ प्यूरिफायर्स हटा देते हैं, वो आपके लिए इल इफेक्ट प्रेजेंट करेगा, आपकी हेल्थ को हार्म करेगा, ये बात सरकार को आम जनता को बतानी पड़ेगी, ऐसा NGT ने सरकार को बोला है, ठीक है। अगली बात, NGT ने एक और बात बोली है कि आप ऐसे रूल बनाइए, मैंडेटरी करिए कि मोर देन 60% ऑफ द वाटर शुड बी परमिटेड, मतलब अगर 100 लीटर पानी आ रहा है तो उसमें कम से कम 60% प्योर फॉर्म में निकल के आ जाना चाहिए, वेस्टेज कम से कम होना चाहिए पानी का,
ठीक। और एनजीटी ने बोला भी है कि इन्हीं सब कारणों से आरओ एक हार्म कर रहा है पब्लिक हेल्थ को भी और एनवायरमेंट को भी, क्योंकि पानी एनवायरमेंट में वैसे ही कम है, इस तरह के वेस्टेज सही नहीं रहते। और एक फैक्चुअल पॉइंट देख लीजिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन है इस वक्त वो है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, और ये जो जजमेंट आया था उसमें जो बेंच में उसको यही हेड कर रहे थे गोयल जी। ठीक, चलिए इस एनजीटी के ऑर्डर के फॉलोअप में अब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ला चुकी है। दिस इज नॉट द फाइनल वर्जन, ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हैं जिसके बाद फाइनल वर्जन बाद में आएगा। और इस नोटिफिकेशन में जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वही जो एनजीटी ने बोला था कि अब इससे रेगुलेट करे जाएंगे जो मेम्ब्रेन बेस्ड, मेम्ब्रेन जो बीच में लगा होता है जो दो पार्ट को सेपरेट करता है, जो मैंने आपको पूरा वो सेमी सर्कल ट्यूब बताया था, तो मेम्ब्रेन बेस्ड जो आरओ वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स हैं उनको रेगुलेट करा जाएगा। कहां? हर जगह नहीं, वो एरियाज जहां पे सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो मेजर करता है प्योरिटी ऑफ वाटर, उनके अपने पैरामीटर्स या मानक होते हैं, तो जहां पानी BIS के स्टैंडर्ड्स को मीट करता है वहां पे आप आरओ वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं लगा पाएंगे। ठीक, तो बेसिकली ये एक तरह का बैन होगा आरओ सिस्टम्स मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम्स पर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ डेटा बता दूं वाटर प्योरिटी के बारे में एज पर द WHO स्टडी। ठीक, तो WHO ये बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो ये बोलता है कि TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जो मैंने पहले बताया था आपको, अगर ये पानी में 300 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो पानी को हम लोग एक्सेलेंट मानेंगे, अगर ये 900 मिलीग्राम पर लीटर से के आसपास है तो हम पानी को पुअर क्वालिटी का मानेंगे, और अगर ये 1200 मिलीग्राम पर लीटर है तो फिर ये लेवल अनएक्सेप्टेबल है। खैर जजमेंट में तो 500 मिलीग्राम पर लीटर का बेंचमार्क रखा गया है। ठीक, और TDS के बारे में एक बात और जान लीजिए, टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो होते हैं दे कंप्राइज ऑफ, इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी आते हैं और थोड़े ऑर्गेनिक मैटर्स भी आते हैं, उस तरह से बनता है। ठीक, तो ये पूरी कहानी है। और कुछ हफ्ते पहले, एक डेढ़ महीने पहले लगभग, एक प्यूरिटी टेस्ट हुआ था पानी का, और ये करवाया था डिपार्टमेंट ऑफ, ये लिखा हुआ मैंने, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने थ्रू BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बहुत सारी सिटीज में हुआ था। दिल्ली के सारे सैंपल इस टेस्ट में फेल हुए थे उस प्योरिटी को मीट करने के लिए। मुंबई में ज्यादातर सैंपल कंप्लाय मतलब पास हुए थे, मतलब वो सेटिस्फाई करते थे कंडीशंस को, बाकी सिटीज में रिजल्ट्स मिक्स्ड आया था। तो दिल्ली के सारे सैंपल फेल हुए थे, मुंबई में मेजोरिटी सैंपल्स पास हुए थे, तो ये स्टेटस हमारा सिटीज का है। बट ओवरऑल यस, पानी की हालत अभी भी काफी खराब है एंड वी नीड टू इम्प्रूव अलॉट। इंटरनेशनल थोड़ी बात कर लेते हैं वाइंड अप करने से पहले, तो कुछ जो कंट्रीज हमारी स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज का नाम देखिएगा आप यहाँ पे, फिनलैंड स्विट्जरलैंड डेनमार्क जर्मनी और UK, इनके पास बहुत सारा एक्सेस है फ्रेश वाटर का। इसमें जो नॉर्थ यूरोपियन, यूरोप के जो नॉर्थ वाली कंट्रीज हैं उसमें तो कई जगह ग्लेशियर होते हैं, तो जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो फिर बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ वाटर मिलता है, इसमें मिनरल्स भी काफ़ी होते हैं। तो फ्रेश वाटर और ग्लेशियल मेल्ट जो बर्फ़ पिघलती है उन दोनों से बहुत ही फ्रेश वाटर इन लोगों को मिलता है और उसमें मिनरल्स भी बहुत होते हैं। कुछ कंट्रीज जैसे सिंगापुर ही, इसराइल हुए, इनके पास बहुत प्योर वाटर नहीं है पर इनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो ये लोग करते हैं एक्सटेंसिव रिसाइकलिंग और उस कारण से ये लोग बहुत अच्छा प्योर वाटर बनाते हैं। आपको पता होगा मोदी जी जब इसराइल गए थे तो वहाँ के जो PM है नेतन्याहू, उनके साथ एक मशीन थी वाटर प्योरीफाई करने की, उसमें आप उनके साथ में फोटोज वगैरह देख सकते हैं, वो मैं यहाँ पे लगा तो नहीं पाया, बट कुछ अच्छे इनिशिएटिव इन दोनों कंट्रीज ने किए हैं। तो इसमें तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो बिल्कुल इम्प्योर वाटर है मतलब जो नाले का पानी है वो भी ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी से बिल्कुल प्योर बना सकते हैं। तो ये दो एक्सट्रीम एंड्स आप देख सकते हैं दोनों कंट्रीज में। बाकी पूरे दुनिया में अगर आप बात करेंगे तो ज़्यादातर कंट्रीज में पानी की हालत बहुत ख़राब है। ठीक, तो ये कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स है, बाकी में पानी की हालत ख़राब है। खैर हमारे डिसीजन NGT और सरकार का आप देख सकते हैं, और अब हम इंतजार भी करेंगे कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कब एक्चुअल फाइनल फॉर्म में आएगा, उसका भी वेट रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये था वीडियो RO वाटर प्यूरिफायर बैन के बारे में। इस पूरे टॉपिक में आपकी इन्फॉर्मेशन, कोई एडिशनल जानकारी या आपका ओपिनियन क्या है ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में,
क्योंकि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सा टॉपिक है ये। देखिए कहीं ना कहीं सबसे मेन प्रॉब्लम है कि अगर हमें लग भी रहा है कि पानी प्योर है 500 mg पर लीटर के नीचे वाला है तो भी एक साइकोलॉजिकल बात बन चुकी है कि हमें आरओ का पानी ही पीना है कुछ लोगों में। तो कहीं ना कहीं आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो के बारे में हमारे कंटेंट के बारे में कुछ भी फीडबैक है तो हमें ज़रूर बताइएगा। आप एक कमेंट का हमको वेट रहता है, और YouTube में हमारे चैनल कॉन्सेप्ट ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा सारे अपडेट्स के लिए, और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। कमेंट्स का इंतजार रहेगा मुझे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।